स्वागत है आपका अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए इस छोटे से शहर अलवर में। बट ये सर तुम्हें काफी छोटा नहीं लग रहा है ईवी रेवोल्यूशन के लिए? वो तो एक्सप्लोर करने पर ही पता चलेगा। बट अलवर इज अ हब ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड दिल्ली एंड जयपुर आर वेरी क्लोज, सो आई हैव माय होप्स हाई। ओके चलो देखते हैं। ये करीब दो ढाई महीने हो गए। ये वाली तो मैम अभी मैंने मुझे एक मंथ हुआ है। कम से कम 7-8 मंथ हो गए मेरे को चलाते हुए। और मुझे इस लाइन में 4 साल हो गए हैं। 2-3 मंथ हो चुके हैं। अप्रोक्स 4 इयर्स हो गए। लगभग 8 महीने। 2 साल से हो गए मेरे चलाते। 1 महीने से जनवरी 2021 में चालू किया है। 3 साल हुए। और मैं रिक्शा 2017 से बेच रहा हूँ। इसके लिए मोटिवेशन तो क्या था, मेन चीज़ तो क्या थी कि अपनी जेब खर्ची, आदमी पहले सबसे पहले अपनी जेब देखता है। ये सोच के लिया था कि भाई दो पैसे इसमें से कमाऊंगा और दूसरे को जो पैसा लिया है ब्याजू वो दूंगा। चालीस से पैंतालीस किलोमीटर 50 किलोमीटर ही हो जाता है। 30 से 40 किलोमीटर तक ई रिक्शा को यूज करती है। 80-90 किलोमीटर ही चलती है। फायदा सबसे बड़ा तो पोल्यूशन का है, पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, इससे प्रदूषण नहीं होता, जनता बीमार कम होगी। आप 150 रुपये रोज का तो बचत है ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज लेते हैं तो इसकी कॉस्टिंग डेली यूज के हिसाब से काफी सस्ती पड़ती है। आई हैव बीन स्पीकिंग टू सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द फार्मर्स ऑन व्हाई डू दे बाय एन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, एंड आई वाज एक्चुअली अमेज्ड एट द रिस्पांस बिकॉज़ दे सेड फॉर अस इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री, सो वी चार्ज आवर व्हीकल्स ओवर द नाइट एंड most of the vehicles have a 40-50 kilometer range which is good enough for us. अब डेली मेरे 200 रुपए का खर्चा है तो वो 200 रुपए का खर्चा बच गया। इससे प्रदूषण का कोई मतलब और जीरो मेंटेनेंस में कोई खर्चा भी नहीं है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है धीरे धीरे। धंधा पानी वो सही निकल जाता है, खर्चा निकल जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी चलो भारी होने की वजह से कि माइलेज थोड़ी कम है, मतलब ये माइलेज अपना 225 किलोमीटर तक का माइलेज दे पाती है। भाई कंपनी 310 किलोमीटर क्लेम करती है, ये 225 तक का माइलेज इसकी देती है, माइलेज का एक इशू है। रिक्शा चालक का जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो बैटरी की एवरेज होती है कि आगे मतलब बैटरियाँ 3 साल के बाद चलेंगी नहीं चलेंगी, हमको और कितनी महंगी पड़ेगी, आगे कितनी रेट बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा घबरा रही है पब्लिक की पता नहीं कैसा रेस्पॉन्स है कैसा नहीं है, आगे जाकर कहीं बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी, बैटरी फट तो नहीं जाएगी, ये हो जाएगा। नुकसान ये है कि इसमें ब्रेक परफेक्ट नहीं है। अब समस्या क्या आती है कि दूर जब जाते हैं तो वहाँ चार्जिंग इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है, कई जगह चार्ज होती हैं, कई इंफ्रा होते होने के बावजूद भी लगती नहीं है चार्जिंग। तो सब्सिडी की आज की डेट में कस्टमर जो रिक्शा खरीद रहा है उसको यहाँ राजस्थान में जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट से वो सब्सिडी का इशू है, वो सब्सिडी उसको मिल नहीं रही है। फाइनेंस में लेते हैं लेकिन फाइनेंस में भैया कस्टमर को थोड़ा सा ये दिक्कत आता है कि फाइनेंस का परसेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो मेजर प्रॉब्लम तो फाइनेंस की है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक इसको फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। ले तो ये है कि बस थोड़ा सा बैटरी बैकअप बढ़ाए या फिर स्पीड भी बढ़ाए, थोड़ा स्पीड भी कम है। कंज्यूमर तो माइलेज चाहिए कंज्यूमर को। अगर सोलर इसका सक्सेस होता है ई रिक्शा में तो फिर इसकी सारी दिक्कतें खत्म है। अच्छी बेहतर गाड़ी लाए, शॉकर इसका सस्पेंसर होना चाहिए गाड़ी में जो कस्टमर को दिक्कत नहीं आए, और ये पलटी ज़्यादा खाती है। कार को इसके सबसे बड़े फोकस ये करना चाहिए कि इसकी बॉडी को डेवलप करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि इसकी कीमत पर विचार किया जाए, थोड़ा सब्सिडी ज़्यादा मिले तो सेल बढ़ जाएगी। राजस्थान सरकार को ये करना चाहिए कि इस तक का रजिस्ट्रेशन बंद कराना चाहिए अब, ताकि और ज़्यादा नहीं बढ़े और ये पूर्ति हो जाए हमारी। फाइनेंस के लिए कुछ और बैंक आगे आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, इससे कि
कोई भी कस्टमर आए तो उसका तुरंत लोन हो जाएगा। यदि ये फाइनेंस सुविधा मिल जाती है तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा रोजगार मिल जाएगा। तो कैसा रहा अलवर का इलेक्ट्रिक सफर? आई वुड से दिस स्मॉल सिटी इज ड्रीमिंग बिग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे ई रिक्शा तो ऑलरेडी है और उसका सेकेंडरी मार्केट भी डेवलप हो रहा है। हाँ यार, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक मेनी पीपल हैव स्विच्ड टू इलेक्ट्रिक रिक्शा एज ए लाइवलीहुड ऑप्शन। एग्जैक्टली, एंड द अदर सेगमेंट्स आर ऑल्सो पिकिंग अप ड्रिवन बाई एंथुजियास्ट्स। पर क्या तुमने देखा यहाँ टू व्हीलर का डिमांड आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा है? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि गांव में चार्जिंग कॉस्ट्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मान गया, यहां पोटेंशियल तो है ईवी अडॉप्शन। बिल्कुल, ऑल दैट इज नीडेड इज अ लिटिल बिट ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मोर डीलरशिप्स। Well, Rajasthan, I would say, is slightly slow in terms of rolling out of EV policies. So while some policies have been rolled out in terms of waiver of registration fee or road tax for vehicles, but I think where Rajasthan has gone slow or has probably not come out at all is a clear-cut policy on charging infrastructure. The other problem that you face in Rajasthan is that Rajasthan is geographically a huge landmass, and so distances travelled in Rajasthan are on an average much more than probably distances travelled in Haryana. So to be able to create a large infrastructure across such a huge landmass is a challenge for Rajasthan. I think the entire demand is triggered by the total cost of ownership. The total cost of ownership of a two-wheeler or a three-wheeler is dramatically low as compared to an IC engine vehicle. I think we should have a comprehensive EV policy very soon, which will probably be better than some of the other states. At least that's my hope, because we have been late starters of rolling out a comprehensive EV policy and therefore adoption of electric mobility in Rajasthan.